हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डीडी व्लॉग्स खिचड़ी सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, हम अपनी सेकंड लोकेशन में आ चुके हैं, जो है सहेली की बारी एंट्री। प्राइस इंडियन के लिए 30 रुपये, फॉरनर के लिए 150 रुपये। अच्छा, वीडियो शूटिंग के लिए 5000 प्रति घंटा, लेकिन हम तो नॉर्मल तो कर ही सकते हैं, इतने बड़े ब्लॉगर तो हैं नहीं। सहेलियों की बारी। वाओ, अच्छा अच्छा रुको, ये है सहेलियों की बारी। हमने तो अंदर विजिट कर लिया है, तो ये आपको दिखाती हूँ। 10 एंट्री है। हाँ वो बोलो। हाँ, एंट्री ले लो और आईडी, हमारा आईडी आना कीजिए कि हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। साथ के आगे चले गए हमारे, हम थोड़ा पीछे हैं। तो गाइस, हम लोग आए हैं सहेली की बारी में अपनी सहेलियों के साथ। हम हैं सहेलियाँ। ये यहाँ पे खुशी फोटो खींच रही है यहाँ पे, और ये है पूरी सहेली की बाबरी। तो हम के उस महल से आ चुके हैं और यहाँ गार्डन में आ गए हैं। ये यहाँ पे लोटस ही लोटस का पूरा वो है पॉन्ड। आंटी लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं घूम घाम के, हम ही लोग धीरे धीरे फोटो खिंचवा रहे हैं। कोइंसिडेंस, दामिनी के भैया लोग यहाँ पे मिल चुके हैं, भैया और भाभी। हाय करो, हाय। ये भैया बाबा अपनी दूसरी लोकेशन में आ चुके हैं। कहाँ हैं बुआ? नृत्य नाटिका फोकलोर, राजस्थान का फोकलोर। अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 7 डांस शोज होते हैं, 1 घंटे का पूरा शो होता है। एंट्रेंस, यहाँ पे तो ढोल डमरू क्या क्या बजता है। घूमर करके आए लोग, दिव्या लेने की चाहिए ना उनके साथ फोटो। सुंदर लग रहा है ये पिछोला लेक से जुड़ा हुआ है। मंदिर आए हैं, अब हम यहाँ से रोप वे से हम करनी माता की तरफ जाएंगे। रोप वे से करनी माता
से वापस आएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम दूसरे जगह जाएंगे। कौन सा है और वहाँ पे रोक के कभी आएंगे, वहाँ से सनसेट दिखेगा। वाह सनसेट, ये देखो अभी हमारा 20 मिनट की वेटिंग है रोप वे के लिए, फिर हमें जाना है वहाँ टॉप पे। वो देखो अभी हमारी 20 मिनट की वेटिंग है। तो जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं, दोबारा यार कट 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 गो। तो जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे भी हम चढ़ाई करके जाते हैं। तो लोगों के हिसाब से जहाँ पे माता का वास है वहाँ पे चढ़ाई करके जाना। तो ऐसे ही हम उदयपुर आए हैं, यहाँ पे करणी माता का मंदिर है, माता वर्ड आ गया, यहाँ पे भी हम चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई थोड़ा सा हमने थोड़ा चढ़ाई टाइप ही था। अब यहाँ पे हम रोप वे, यहाँ से दिखा सकते हो आप रोप वे, जैसे ऐसे करके हम जाए। वे में हमारा 449 नंबर था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला और अब 452 आ चुका है। जितने पर सरप्राइज मिलेगा। अच्छा बैट बॉल खेल रहे हैं। ओहो ओहो ओहो, आँख में आ रहा होगा ना। ओहो क्या बात है। ओहो बुआ बुआ हम बैठ चुके हैं इसमें। किधर बैठ ली? पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहाँ से उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स पूरा दिख रहा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर की ओर। वाओ कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। दोस्तों हम मंदिर पहुँच चुके हैं, मैं बाहर बैठूँगा बिकॉज आई कांट। और ये है सिटी उदयपुर, ये है वाटर सिटी उदयपुर। जा रहे हैं मंदिर की तरफ। जय माता दी। मंदिर ऐसा दिखता है कुछ। बाकी हमने आपको मेन मूर्ति की फोटो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मंदिरों में ऐसे अलाउड नहीं होता है, मूर्ति की वीडियो लेना। अच्छा है पूरा ये उससे मार्बल से बना हुआ। अब हम मंदिर में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं। इधर डोसा आ चुका है और हमारा ऑर्डर आने के लिए भी टाइम है। पिज्जा भाई क्या सोचा था क्या आया, हटा इसको, लोग बोलेंगे हटाओ। का सैंडविच आ गया है क्योंकि मम्मी कुछ नहीं खाती। खाती हूँ तो छाट छाट के मम्मी के लिए खाना। झूठ सब खाती हूँ। खाओ फिर हो जाता ऐसे कि दो बड़े बड़े बन होंगे। टेम्पल और ये लेक के एकदम बीचों बीच है, यहाँ बोट से जाते हैं। तो अब हम बैठ रहे हैं इसमें। पहले मेरे को इधर बैठने दे। हम बैठ चुके हैं, अब रात को बहुत मजा आएगा। हमको लग रहा है कि मजा आएगा लेकिन इसमें आना चाहिए लाइट। नीचे आ चुके हैं, इनको दिखा दे। इनको दिखा दे। यहाँ से दिख तो रहा है अच्छा, पर यहाँ पे कुछ है नहीं। ये है जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। यहाँ पर देख के मुझे
नेपाल की याद आ रही है। वृंदावन की नहीं आ रही, वृंदावन में ऐसी मंदिर था बरसाने में। तो गाइज अब हम जगदीश मंदिर आ गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। जगदीश मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है और ये एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में टोटल 25 ईयर्स लगे थे। ये मंदिर 125 फीट ऊँचा है और इसका जो शिखर है वो 100 फीट से भी ऊँचा है। इस मंदिर में कुल 50 कलात्मक स्तंभ हैं। और दोस्तों इस मंदिर के जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो राजस्थान के डंगरपुर जिले से लाई गई है। और दोस्तों हम एकदम करेक्ट टाइम पे आए थे मंदिर की, मस्त आरती चल रही थी और एकदम मगन हो गए सभी लोग। थोड़ी देर आरती एंजॉय करने के बाद हम निकल गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ टुडे जो थी, आगे आपको पता चलेगा, स्टे ट्यून। जयंती है ना तो गंगौर जो माता बहाई जाती हैं वो इसी में बहाई जाती हैं, इस वाले घाट में। बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण पूजा है गंगौर। यहाँ हम लोग दिवाली के बाद किसमें पूजी जाती है, सावन में ना, सावन में पूजी जाती है, नवरात्रों में, और यहाँ पे बहाई जाती है। तो वैभव ईशु और खुशी गए हैं बैग देखने, इनको यहाँ का बैग अच्छा लगा और इनको पसंद आएगा तो देख लेंगे, ले लेंगे। देखिए कैसे कैसे कितने प्यारे, आगे को गए, आगे को गए। ये देखो बुआ, मैं उन्होंने तो बड़े अच्छे, ये वाला देखिए अच्छा लगा, ये लंबा वाला। वो हमें कौन मिला है, चिंटू। ठंडा लगा, कितनी ठंड लग रही है। इसको अपनी स्वेटर दे दें, पर मेरे पास स्वेटर ही नहीं है। गाइस हम लोगों को थक लग रही थी तो अब हम लोग अपने होटल में जा रहे हैं। हम लोग किस ऑटो में बैठे हैं जो इतनी पतली सी गली में, भाई साहब क्या स्पीड है, क्या स्पीड है वो बेटा। आज हम पूरा दिन बाहर थे तो अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। पूरा दिन बाहर थे आज हम, बहुत भयंकर थक लग चुकी है और मेरे बूट्स ने मेरी सबसे छोटी वाली उंगली को काट दिया है। अच्छा
अच्छा दिखता है तो वो भी सहना पड़ेगा। फैशन करो यार, फैशन करो यार। वापस आ चुके हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं, आप देख सकते हैं आंटी जी सो रहे हैं। बट देयर इज अ क्लाइमैक्स दैट यू नेवर नो, विल नेवर नो। सो गाइज, दीज टू सिस्टर्स, ओ माई गॉड, दे आर अगेन गेटिंग रेडी। इनके पास इतना गुर्दा पता नहीं कहाँ से है। एंड सी, किम कार्डशियन पार्ट टू इज हियर। कैंडल, ओके सॉरी, कैंडल इज हियर। राखी सावंत, उदयपुर की सस्ती राखी सावंत इज हियर। उर्फी जावेद पागल है, उसको नीचे करना पड़ेगा पूरा आउटफिट अपना, तब उर्फी बनेगी। नहीं, इसको ना ऐसे पीछे ऊपर। तो यार ये तुम्हें ना गुमराह कर रहे हैं गाइस। मैं पर बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो ये इनका लुक चाय पीने के लिए है। मेरा फोन आ रहा है। इसलिए तो मैं इसके रूम में आती हूँ, झाड़ू लगा देती है, अब गद्दा भी लगाएगी, चादर भी उड़ा देगी। झाड़ू ऑल दो झाड़ू अच्छे से लगा नहीं रही है, पर काम चला लेंगे। चाट के साफ करेगी ऐसे बोल रही है अभी। ऐसे बोल रही थी अभी, पैसे लगा दे कर देगी। वैसे ये इतनी बुरी नहीं है, आपको वो भी दिखाऊंगी। तेरे ही है, मेरे नहीं है शायद, टूटे वाले तेरे ही है, दो मुंह बाल निकल रहे जो नीचे थे। दोस्तों ये था ट्रैवल उदयपुर पार्ट 3। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें TD ब्लॉग्स खिचड़ी को।